जो उसने अभी जनाबिर सालत में आप सल्ला वसलम की शान में गुस्ताखी की है हमारा एक और डिबेट बन रही थी सूरत हाल तो मैंने वो शायान लगारी साहब जो बीच में करा रहे थे उनको मैंने ई मेल भेज दिया कि इस आदमी के साथ मैं कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करना चाहता वो अगर अपने आप को इस काबुल सबत कर दे कि उससे एक महजब आदमी जिसकी अच्छी तरबियत हुई है वो बात कर सकता है उसे अपना टाइम दे सकता है तो मैं उसको कहता हूँ कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर वो आए वो 99 परसेंट अगर साबित कर देना कि हुई हुई है मैं उसी वक्त हो जाऊंगा सफेद छूट है इतना आसान आपने मतलब उनके लिए फिर चांस दे दिया राजा साहब पहले आपने तीन और नहीं और लाइव लाइव ये जा रहा है कि आप ये हिस्सा काट के बेशक का आप सेपरेट लगाइएगा कि मैंने ये चैलेंज दिया है जी जी साहब साहब एक कर, एक बार बार कर कर मैं अपनी जितनी साइंटिफिक स्टडी है ना वो सारी इकट्ठी करके मैं आग लगा दूंगा अगर वो 99 परसेंट सिर्फ वो नहीं उसको कहें कि वो को अपना किसी बड़े जिसको वो पढ़ता है ना जिस किताबें उनसे जाके ई मेल करें कि एक बंदे ने मुझे कहा है कि 99 परसेंट तो मैं बहस करने जा रहा हूँ तो तुम तो मुझे कसम उठा के कह सकते हो 99 परसेंट है वो भी से कहेगा कि इस बहस में नहीं जाना सफेद झूठ है नाइन्टीन वाली जी ये जो चैलेंज है ना सर जी जी है आपसे <laughs> आप आप तो आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेपरेट हिस्सा लाइव में आप हर चीज तो नहीं सुनते ना हमारा दो घंटे का ये सेशन है तो ये तो हमारी दो चार मिनट की बात है ना आप ये हिस्सा काट के आप इस पर लिखिएगा इसके थम लेल पे क्या सर ने ये ओपन चैलेंज गालब को नहीं जितने भी एवल्यूशन हैं ना सबको दिया नाइनटी नाइन परसेंट साबित करें मैं ये तो जरूर लगेगा ये तो जरूर लगेगा हाँ लेकिन मैं पहले से आपको बता रहा हूँ सुना ही, ही, ही नहीं है राजा साहब करेगा कि यार राजा साहब ने आपकी ये बात पकड़ है और इस पे इतना बड़ा आपको चैलेंज दे दिया और आप तो इतने अच्छे से हमें कह रहे थे कि हम ये कर देंगे और ये इतनी सिमिलरिटी है तो आके करें तो पता क्या करेगा नउूबिल दोहरा सकता वो वो सवाल का जवाब देने की बजाय किसी और तरफ कोई और टर्न लेगा और वहां पर भी अगर जाकर पूछा जाए इससे कि भाई बात करने का कुछ लिखा होता है अगले बंदे को जवाब तो देने दो अगर आपने बदब्ती कर ही ली है क्योंकि आप साबित ये करना चाहते हैं मैंने तो उन्हें कहा था कि यार हमें आप ना इंसान की औलाद में से लगते हैं लेकिन अगर आपको लगता है और हमें भी अब फील होने लग गया कि इनके अंदर वाकई कुछ वैशी जानवरों वाले जरासीम जो है वो इनमें तो जरूर पाए जाते हैं इसमें कोई शक नहीं है राजा साहब अगर आप भी थोड़ा इनको स्टडी करेंगे तो आपको फील होने लग जाएगा पहले मुझे लगता था देखिए मैं मैं आपको मैं एक बात बताऊँ ये हम लोगों की ज़ाती शराफत है अभी तक कि इनका ये YouTube वगैरह सारा चल रहा है और ये बात मैं आपको मैं कोई जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा आप कैलकुलेशन करके देख लें ये जो कल इस आदमी ने हरकत की है कि एक आदमी उस पर हंसा है थिन स्किन है ना आगे बर्दाश्त नहीं है। है? बर्दाश्त नहीं है और बर्दाश्त होनी चाहिए इसलिए मजबूर नहीं किया था कि पब्लिक में आके ऐसी वीडियो बनाओ मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया मुझे भी गालियां पड़ती हैं मैं तो आगे से कोई कहना और गाली का जवाब तो चले आप गाली दे देते हैं तो फिर भी कुछ जस्टिफिकेशन बने मुझ भी कोई आदमी एतराज करे हंसे तुमने ये कह दिया वो कह दिया ऐसा कह दिया तो आगे से अगर मैं इतना थिन स्किन हूँ कि मुझे एकदम से गुस्सा आ जाए और मेरे मुंह से झाग निकलने लगे तो फिर मुझे ये काम नहीं करना चाहिए सिंपल सी बात है तो अगर तुम ये दुनिया को बता रहे हो कि तुम इतने थिन स्किन हो कि तुम इन बातों से एजिटेट हो के हजियान बकना शुरू कर देते हो तो बड़ी सिंपल सी बात है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देख लो तुम्हें सुनने वाले कितने लोग होंगे सौ दो सौ पाँच सौ हज़ार दो हज़ार बस हम कई करोड़ तो पाकिस्तान में हैं इससे ज्यादा इंडिया में जुबान वाले बाकी सारी दुनिया में भी आपको कहीं ना कहीं ये जुबान बोलने वाले मिल जाएंगे तुम्हारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो और मुसलमान जो है पंद्रह बीस हज़ार बच्चे जाके सिर्फ तुम्हें गालियाँ देना शुरू कर दें सिर्फ गालियाँ कि तुम एक चीज तुम खुद पर हंसने से तुम इतने एजिटेट हो जाते हो तो तुम्हारी तो लाइव स्ट्रीम में जितने तुम्हें ये सुनने वाले लोग होते हैं उनकी तो कॉमेंट की बारी कभी कभी आएगी जब एक पूरी एक बैराज कॉमेंट का स्टार्ट होगा जिसमें सिर्फ गालियाँ देने वाले लोग हुए तो तुम तो हाथ जोड़ के यूट्यूब से चले जाओगे तो हमारी कोई ज़ाती शराफत है तो उसको रहने दो ना हमसे अख्तलाफ करो हम पे तनकीद करो जरूर करो हम तुम्हें वेलकम कहते हैं बात करो हमारा तो कुरान कहता है कि इनसे कहो कि आओ ऐसी इंसाफ वाली बातों की तरफ जो हम में और तुम्हें मुश्तरक हैं जब ये तुम इस तरह का रवैया करोगे तो फिर ये मैथमेटिकली जंग तुम नहीं जीत सकते करोड़ों की आवाज़ में तुम्हारी आवाज भी नहीं आएगी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नहीं जाना चाहते उस तरफ बट ही हैज़ टू बी केयरफुल जी